आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम फिर आ गए? झकास, कुछ अच्छा मिला क्या? 10 टाइगर्स ऑफ क्वांटम, ये तो बढ़िया फिल्म थी। ओ, ब्राइड विद व्हाइट है, चाइनीज में बिना सबटाइटल्स। आपके पास शॉ ब्रदर्स के पहले वाली कोई है जिसमें वो आदमी चीते का स्टाइल करता था? चीते का स्टाइल, ड्रैगन का स्टाइल, हवा में उड़ो, पानी पे लड़ो, लपकता शेर, उछलता बंदर। तुम्हें जानता हूँ, कंग फू सीखने को पागल छोकरा, मार पिटाई करेगा, लड़कियां पटाएगा। ये सब पुराना माल है। ये कहां से मिली? ये तभी से यहाँ है जब मेरे दादाजी ने ये दुकान खोली थी 100 साल पहले। इसे लेने एक आदमी आने वाला था, इसके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए, मगर वो आया ही नहीं। मेरे पिताजी दुकान चलाने लगे, बहुत सालों तक इंतजार किया, अब मैं कर रहा हूँ। ये नॉर्दर्न टेंपल वाली खास छड़ी है, ऐसी छड़ी से 13 योद्धाओं ने टैंक सम्राट को बचाया था। मैंने इसे पहले भी देखा है, बिल्कुल यही वाली, सपनों में बहुत बार आती है। पता है क्यों? तुम हांगकांग की बकवास फिल्में देखते हो इसलिए। अब चलो, मैं तुम्हें ब्रूस ली की 5 फिल्में दूंगा, एकदम सस्ते में। आप सही कह रहे हैं। जेसन, हाय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम रहा था। मेरा मतलब चाइना टाउन से था, वहाँ क्यों जाते हो? कंग फू। क्या सच में? बोलना मना है, दरअसल कंग फू का उसूल जो है। अबे देख बे, ये बच्चों अपने एरिया में लाइन मार रहे हैं। क्या बेचाने, अब तक इसी उड़न खटोला में उड़ रहे हैं? इसे तो बंगार वाला भी नहीं खरीदेगा। बिड़ू ये क्या है? हा? कुछ नकली डीवीडीज हैं। एंटर द ड्रैगन, द ब्राइट विथ व्हाइट हेयर। ये अच्छी पिक्चर है। अरे छोड़ दो उसे, हाँ इसे कंफू जो आता है। अच्छा, खुद को चाइनीज समझता है, चीनियों का दोस्त बनता है। तो चल, मैं देखना चाहता हूँ, चल दिखा, चल दिखा बे, दिखा तेरी कंफू गिरी, कंफू मास्टर, चिंग चिंग चुंग, हैं? ब्रूस ली बनने का शौक है, बोलना, हैं? अरे लुपो, ये तो साला उस चीनी कबाड़ी का दोस्त है रे। पहचानता है उस बुढ़ऊ को? चल नहीं आगे बढ़। देर हो गई है, वो घर चले गए होंगे। वो नहीं है, चलो चलते हैं। कौन है? तुम हो? और सस्ती फिल्में चाहिए क्या? कहा था ना, चाइना टाउन में सबसे सस्ता माल। अंदर आ जाओ, चाय पियोगे? बेसबॉल गेम चल रहा है, यंकी जीत रहे हैं, बुरी बात है। तुम्हारे साथ कौन है दोस्त? रोकड़ा किधर पर रखा है? रोकड़ा
किधर पर रखा है बोल बोल बे बुड्ढे अब पुलिस ढूंढ ले देख मुझे क्या मिला एक पुराना वीडियो गेम साला ये बुड्ढा तो लुढ़क गया अबे ये क्या किया घोड़ा नीचे का इसे ले जाओ इसे इसके असली मालिक को दे देना भागो तू कुछ नहीं बोलेगा तूने कुछ नहीं देखा छोड़ो यार मजाक मत करो जाने तेरे तो दिन भर गए अभी छोड़ दे इसे तू कैसे भी उड़ाएगा गोली मैंने चलाई है पर हम सब गुनेगार हैं और इस शाने ने आप उनको गोली चलाते हुए देख लिया ये दवाई पी लो फिक्र मत करो तुम ठीक हो जाओगे बताएंगे कौन सी जगह है पता नहीं मैं यहाँ कैसे आया बस इतना याद है मैं गिर गया था आप वही यात्री हैं ना जो हमें इनके जुल्मों से बचाएंगे आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं क्या जाने भी दो बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो चल हट तुम्हारे पास कहां से आई
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तो वही छड़ी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। पीछे देखो, निकलो यहां से। पता नहीं कहां आ गया हूं मैं, यहां कैसे पहुंचा और वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे। पर तुमने तो उन्हें उठा उठा के पटका। नहीं, शराबे मोका दक्षिण का खुफिया कुंफू था। मैं हूं लुइया, भटकता हुआ विद्वान। और तुम कहां से आ रहे हो साधु बाबा? मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं जेसन हूं, जेसन ट्रिपिकेटस, साउथ बोस्टन से। ये कोई सपना है? नहीं, तुम जहां से आए हो वो एक सपना है, यानी ये एक अदृश्य दरवाजे से। क्या तुम्हारा मतलब है किसी चोर दरवाजे जैसा? नहीं, इसका मतलब है या तो तुम कोई गुरु हो या तुम्हारे पास कोई खास चीज है। ये तो कबाड़ी की दुकान में पड़ी थी, एक आदमी इसे लेकर इसके असली मालिक को लुटाने वाला था। क्या हुआ? सदियों पहले कहा गया था कि एक यात्री आएगा जो ये जादुई छड़ी लौटाएगा और शासन खत्म करेगा जेर वार्ड लॉर्ड का। पर किसको लौटाएगा वो? वानर सम्राट, जो पत्थर से पैदा हुआ, फूल और फल से भरे हुए पहाड़ पर। इस हथियार के साथ उसमें अपार शक्ति आ जाती है, उसकी छड़ी का जादू चलने लगता। उसने देश की व्यवस्था को ललकाया, मगर जेड़ की सेना उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। वानर सम्राट ने उसे पकड़ने को भेजे गए हर सिपाही को ढेर कर दिया। उसकी जादुई छड़ी की वजह से उसे हराना संभव था। उसकी बगावत के चर्चे अनजाने साम्राज्य से लेकर पंचतत्व पहाड़ तक होने लगे, जहां अमर आत्माएं रहती हैं। 500 सालों में एक बार जेड़ सम्राट एक दावत देते हैं। इसमें आकर दिव्य आत्माएं अपने अमरत्व का जश्न मनाती हैं और अमृत का सेवन करती हैं। जिस भाग्यशाली आत्मा को इसका एक घूट मिल जाए वो अमर हो जाता है, हर दुख दर्द और चाहत से मुक्त हो जाता है। इसी स्वर्गीय दावत में वानर सम्राट बिन बुलाया धमका। जेड़ सम्राट तो उसकी हरकतों पर हंसते रहे, मगर जेड़ वॉरलॉर्ड को गुस्सा आ गया। सेनापति होने के नाते वॉरलॉर्ड ने वानर सम्राट से झुककर सलाम करने को कहा। बस थोड़ा सा असभ्य है और कुछ नहीं। इस नटखट बंदर को सम्मान देकर यहां से विदा कर दो। स्वर्ग और धरती पर सब कुछ ठीक ठाक देखकर महान सम्राट अगले 500 सालों तक ध्यान लगाने के लिए चले गए, अपने राज्य को नियम के मुताबिक जेड़ वॉरलॉर्ड के हवाले करके। लेकिन जेड़ ने सम्राट का आदेश मानने के बजाय वानर सम्राट को लड़ने की चुनौती दे दी। पंचतत्व पहाड़ की ऊंचाई पर जेड़ वॉरलॉर्ड के महल में दोनों अमर आत्माएं आमने सामने आ गईं, ये सिद्ध करने के लिए कि कौन बेहतर लड़ सकता है। Thank you.
जादुई छड़ी के साथ अच्छा करतब कर लेते हो सुनको, पर अपने हथियार के बिना तुम एक घटिया बंदर हो और कुछ नहीं। अब कोई हथियार नहीं और कोई जादूगरी भी नहीं। मक्के के बदले मक्का। वानर सम्राट भोला भाला था और वॉरलॉर्ड की बातों में आकर उसने अपना जादुई हथियार रख दिया। पर जब उसे धोखे का एहसास हुआ तो वानर सम्राट ने अपना हथियार धरती के साम्राज्य की तरफ फेंक दिया। लड़ाई में सब कुछ जायज होता है मेरे दोस्त। अमर होने की वजह से वानर सम्राट मरा नहीं, सिर्फ पत्थर में फंसा हुआ है जहां उसे भविष्यवाणी किए गए यात्री का इंतजार है जो उसे उसकी जादुई छड़ी लौटाएगा और मुक्ति दिलाएगा। वैसे सुनी सुनाई कहानी है, बरसों पहले सुनी थी। उसे बंदी हुए कितने साल हो गए? यही कोई 500 साल पहले, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं जब वानर सम्राट मुक्त होगा तो जेठ सम्राट भी वापस लौटेंगे। मैं घर कैसे जाऊं? तुम्हें यह छड़ी पंच तत्व पहाड़ पर ले जानी होगी। तुम्हें वानर सम्राट को आजाद कराना है। ये मुझसे नहीं होगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे सुनो और शराब लाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ज्यादा हो गई है? शराब मेरी प्रेरणा है, इसलिए लोग मुझे कभी 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 भी कहते हैं तुम्हारे नाम। ज्यादातर लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं। चुन्नू की माँ, जरा देखो तो ये क्या है? ये तुम्हें किसने दिया? उन्होंने, जरा सुनिए, ये देखिए उन्होंने क्या दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तुम्हें कुंफू आता है ना? क्या? जो बोलता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो बोलता नहीं। तुम वाकई उस्ताद हो। यह हथियार तुम्हें कहां से मिला?
ये तो नकली है, आजकल सब कुछ मिल जाता है सस्ते दामों पर। चलो हटो, मैं देखता हूँ। ये हथियार मुझे दो। मैंने कहा हथियार मुझे दो या मरो। दिल जीत लिया। क्या तुम उत्तरी पहाड़ों से हो? इस नाचीज को गोल्डन स्पैरो कहते हैं और मैं दक्षिण से हूँ। तुमने तो हमारी जान बचा ली, अगर तुम नहीं आती तो न जाने हमारा क्या होता। वैसे शराबी अमर आत्मा की जान बचाने की मैं कोई जरूरत नहीं समझती। तुम अमर आत्मा? तुम किससे पीछा छुड़ा रही हो? बेरहम शिकारियों से जो मुझे पंचतत्व पहाड़ तक पहुंचने से रोक रहे हैं।
तुम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते जाओ, सिर्फ घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकना। तुम नहीं आ रहे? पंच तत्व पहाड़ तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान और जंगलों से गुजरना पड़ेगा, बहुत खतरा है। और बुरी बात शराब नहीं है, उनका अमृत हर अमर आत्मा के पास एक होता है। मुझे माफ करना, शराब के बिना मैं कुछ नहीं। समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम समझने की कोशिश करो, ये पागलपन है। तुम घर जाना चाहते हो? हाँ। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम यहाँ जिंदा रहोगे तो ही अपनी दुनिया में वापस जा पाओगे। आई बात समझ में? इसमें बिल्कुल भी शराब नहीं है। मुझे जाना होगा, चलता हूँ। देखो, सुनो तो। जाने दीजिए उन्हें, जादुई छड़ी लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है, उनकी नहीं। आपको कुंग फू आती है? इसे कुंग फू बिल्कुल नहीं आता, जरा भी नहीं। रुक जाओ, सिखाओ मुझे, मुझे लड़ना सिखाओ। धीरे घुमाओ, जोर से काटो, दोनों एक साथ। इसका कुछ नहीं होगा। मैं दो दिन से तुम्हारे लिए घास काट रहा हूं और तुम एक महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे हो। मुझे कुंग फू कब सिखाओगे? तुम कुंग फू सीखना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कुंग फू। इसे कहते हैं मारना, बचाव करना, कल सिखाऊंगा। शुरू हो जाओ, धीरे घुमाओ, जोर से काटो। तुम मुझे नोशाडू किक सिखाओगे? और वो बुद्ध की हथेली वाला तरीका। मैंने एक वीडियो गेम में एक आदमी को ये सब करते हुए देखा था। थैंक यू। और पता है, उसके साथ ना वो आयरन एल्बो भी कर रहा था और वो एक उंगली वाला मौत का खेल भी कर रहा था। कब भर गया है, बस करो, कब भर गया है। बिल्कुल, कोई भरे हुए कप को कैसे भर सकता है भला। कैसे सीख सकते हो तुम कुंग फू? तुम तो पहले से बहुत कुछ जानते हो। शैडो के एक बुद्धा के हथेली भूल जाओ, अपना कप खाली करो। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कहते हैं मधुर संगीत एक पुल है धरती और स्वर्ग के बीच। बहुत सुंदर है। ये मेरी माँ का है। मेरे सम्राट की जय हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूँ? माफी चाहता हूँ, वो जादुई छड़ी जो वर्षों पहले गायब हो गई थी, उसे धरती के साम्राज्य में देखा गया है। बकवास। मेरे सम्राट, ये मैं नहीं कह रहा, गांव वाले आपस में भविष्यवाणी की बातें कर रहे हैं। उन्हें तो भविष्यवाणी जैसी बेतुकी बातें करने की पुरानी आदत है, ये तो उन सब के लिए एक मजा है।
और कौन सी घटिया खबर लाए हो मेरे लिए? मेरे सम्राट, बस और कुछ नहीं। चुड़ैल को बुलाओ, जो बेरहम भेड़िया की संतान है। तो हम कहां थे? लुयान, 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 स्पारो! लॉर्ड ने एक बेरहम शिकारी को भेजा है। अब क्या होगा? वो घोड़ा उसका है, वो अंदर ही होगा। पर वो यहाँ मंदिर में आकर क्यों छुपेगा? यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम घोड़ों के पास ठहरो। चलते चलते थक गया, गर्मी भी बहुत है। तो तुम कहां से हो? शेंडोंग प्रदेश से? हाँ, लगते तो शेंडोंग प्रदेश के ही हो। क्या यहां अक्सर आते हो? ये छड़ी तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसे तुम मुझे दे दो, वरना किसी को चोट लग सकती है। किस तरह के साधु हो तुम? यात्रियों को लूटते हो। अच्छा, तो मौन व्रत है तुम्हारा, या फिर बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं साधु,
बंद आंखों वाली बिल्ली अच्छी है चूहे पकड़ने के लिए पर शेर नहीं। ये जादुई छड़ी तुमने वॉरलॉर्ड के लिए चुराई? नहीं बेवकूफ, मैं उसे तलाश रहा हूं जो ये जादुई छड़ी लेकर आया है। तुम्हारी तलाश पूरी हुई। वैसे हम सब एक ही तो है साधु बाबा, किससे पाला पड़ा है? क्या हुआ, क्या इसे बिना पाप है? हाँ अकेले बिना पाप, क्या घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई? मुझसे सीखो। तो कब से ढूंढ रहे हो उस छड़ी को? वो संभाला है तब से, मतलब काफी अरसे से ढूंढने निकले हो तुम। क्या एक बूढ़ा और एक लड़का यहाँ चाय पीने आए थे, उनके साथ एक सैनिक साधु भी था। जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ जल्दी। मैं ऐसा कुछ नहीं जानता जो आपको बता सकूं। मर्द जात कितना झूठ बोलता है। बनाया है तूने।
चेसर और नीचे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। घोड़े की मुद्रा, जमे रहो। घोड़े की मुद्रा अच्छा है पेट साफ करने के लिए। बस बहुत हो गया। ये मेरा शिष्य है, तुम्हारा नहीं। जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वैसे दो गुरु एक शिष्य को नहीं सिखा सकते। घोड़े की मुद्रा, अगर इसे वाकई में कंग फू सीखना है तो इसमें होनी चाहिए फुर्ती, सही निशाना और ताकत। अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग पर्स में था। ब्रूस ली, अब मैं पंच करूंगा, तुम रोकना, ठीक है? आह, मैंने तुम्हें सांप वाला दांव सिखाया था ना, अब तुम मुझ पर वार करो। देखा, फिर से सांप वाला दांव, आजमा। ये बच्चा इसके लिए तैयार नहीं है, गरुड़ दांव ठीक रहेगा। बगुले वाला दांव, बगुला, ऐसे। तैयार? रुक जाओ, बहुत हो गया, बस करो, बहुत हो गया ये पहेलियां बुझाना, मुझे और कुछ नहीं सीखना। पहला उसूल, अपने गुरु की इज्जत करना सीखो। सही कहा, क्यों ना हम सब भूलकर दोनों इसे सिखाएं? एक दूसरे से हम बाद में निपट लेंगे। कुंग फू, ये कला सीखने में मेहनत और लगन जरूरी है। एक चित्रकार में कुंग फू हो सकता है या हर रोज सफाई से मांस काटने वाले कसाई में। उसका छुरा हड्डी से कभी नहीं टकराता। आकार से सीखो, निराकार को ढूंढ लो, खामोशी को सुनो, सब कुछ सीख लो, सब कुछ भूल जाओ, मार्ग को जानो, फिर अपना मार्ग बनाओ। एक संगीतकार में कुंग फू हो सकता है या उस कवि में जो शब्दों से चित्र बनाता है और राजाओं के दिलों को पिघला देता है। ये कला भी कुंग फू का ही अंश है। पर इसे कोई नाम नहीं देना, ये पानी की तरह है। पानी से ज्यादा नर्म कुछ नहीं होता, लेकिन वो बिना लड़े चट्टान को भी हरा देता है। वो दुश्मन के आस पास बहता जाता है। बिना काम, बिना नाम, असली गुरु तुम्हारे अंदर ही है, सिर्फ तुम उसे आजाद कर सकते हो। देखो वॉरलॉर्ड के जुल्म का नजारा। उस पापी को रोकना होगा, उसके जुर्म के लिए उसका सिर काटकर बीच चौराहे पर लटकाना चाहिए। पर तुम उससे नफरत करोगी तो वो जीत जाएगा। अगर आपको उस कमीने पर बहुत दया आ रही हो तो अपने मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हम कोई
शांति का पाठ पढ़ाने नहीं आए हैं। तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ, तुम अभी सिर्फ एक बच्ची हो। वो नहीं रहे और अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, बड़ी हो चुकी हूं। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकर थे जिन्होंने वॉरलॉर्ड का विरोध किया और फिर अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वॉरलॉर्ड ने रात के वक्त अपने सिपाही भेज दिए। पंचतत्व पहाड़ में से लाखों करोड़ों सिपाही निकलकर धरती के साम्राज्य में आ पहुंचे। वो सभी सिपाही उन गांव में आ गए जहां वॉरलॉर्ड ने उन्हें सबको जलाकर खाक करने का आदेश दे दिया। रात भर बेगुनाह इंसानों की चीखें गूंजती रही। जब ये सब खत्म हुआ तो सिर्फ राख के ढेर बचे हुए थे और बची हुई थी एक नन्ही सी लड़की जिसे उसकी माँ ने कुएं में छुपाया था, पर वो अपनी जान ना बचा पाई और उस बेरहम वॉरलॉर्ड के तीर का शिकार बनी। जब मैं वॉरलॉर्ड के महल में पहुंचूंगी तब मैं उसे बिल्कुल माफी नहीं दूंगी। तब मैं उसे दूंगी ये। एक जेड डॉट जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत अभ्यास किया है। दूसरों को जलाने में अपना हाथ भी जल सकता है। मेरी तरह तुम भी बातें अच्छी कर लेते हो। उनके कदमों के निशान मल्लिका, वो रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं। तो वो मेरे और रेत के दरिया के बीच है। यही तो बेवकूफी है वानर सम्राट की। एक दूध पीते बच्चे को भेजा है इतने बड़े काम के लिए। ये रेगिस्तान बहुत गर्म है। ये रेगिस्तान नहीं है, हो रहा रेगिस्तान। तुम्हें यकीन तो है ना कि ये सही रास्ता है? हमारा भरोसा नहीं। मंजिल पर पहुंचाने वाला था ये साधु। कहां पर पटका हमें? रेगिस्तान के किनारे पर। अब भुगतो उसे। हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे ना? अगर पहुंच भी गए तो जेट के सिपाहियों का सामना करना होगा।
और मुझसे नहीं हुआ तो? मैं जम तो नहीं जाऊंगा ना। सांस लेना मत भूलना। अगर जल्दी हमें पानी नहीं मिला तो जान चली जाएगी। पर आप तो एक ताओइस्ट अमर आत्मा है जो बारिश करवा सकते हैं। अगर ये एक सच्चा ताओइस्ट अमर आत्मा हो तो साधु संतों के नाम पर कलंक हो, नास्तिक कहीं के। चुप! मैं तुम्हें उस पंच तत्व बाहर तक ले जाऊंगा। वो रहा वहां। क्या वो आपको दिख रहे हैं? वो वहां दो मुंह वाला शेर, वो बादलों में, देखा? हाँ देखा। तुमने वो देखा, वो पीछे से आता हुआ लहर की तरह, एकदम हरे राक्षस जैसा है। हरा राक्षस? आपका मतलब ड्रैगन? नहीं, एक खेल का मैदान है, उसे हम लोग हरे रंग का राक्षस कहते हैं। सचमुच? पर तुम ठीक कहती हो, लगता तो ड्रैगन जैसा ही है। आपका परिवार है वहां जहां पले बड़े हैं? मेरी माँ है। और पिताजी? उन्हें तो कभी देखा ही नहीं। उनकी याद नहीं आती आपको? कभी सोचा वो कौन थे?
शायद मैंने जानबूझकर हमेशा उन्हें भुलाने का नाटक किया है। मुझे अफसोस है। कितना प्यारा है। मर्द वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहती हो स्पैरो, पर अंत में वो तुम्हें खाली हाथ छोड़ जाते हैं। तुमने रेत का दरिया पार कर लिया है, बहुत खूब। और तुम लड़के घर से कितने दूर आ चुके हो। मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा सकती हूँ, बस वो जादुई छड़ी मेरे हवाले कर दो। सोचना भी मत। तुम्हें वो जादुई छड़ी क्यों चाहिए? जब मैं वो खोया हुआ हथियार लौटा दूंगी, सम्राट जेड वॉरलॉर्ड मुझे अमृत पिलाकर अमर कर देंगे। एक अनाथ लड़की, एक भटका मुसाफिर, एक बुढ़ा शराबी और एक साधु जो जिंदगी से बार बार हारता रहा है, यानी कि तीन नाकाम नमूने चौथे नमूने के साथ पांचवे को बचाएंगे। खत्म कर दो इन्हें। ठीक तो हो? थोड़ी प्यास लगी है। लू! ये ठीक है, डरो नहीं, वो तो एक अमर आत्मा है, मतलब वो है ना। शराब, इन्हें अपना अमृत चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो, हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे अफसोस है, घाव काफी गहरा है, इनका बचना बहुत मुश्किल है। उसे शराब चाहिए, वो आठ अमर आत्माओं में से एक है, उसका अमृत ही शराब है।
हम एक साधु को लाने के लिए कहेंगे। उसे दौड़ कर जाने के लिए कहोगे ना? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं एक विद्यार्थी योद्धा था, एक अच्छा निशानेबाज, मेरा कुंफू भी अच्छा था, तो मुझे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा के लिए चुना गया था। अगर मैं कामयाब होता तो मैं विद्वान आत्माओं में से एक होता, और मैं नाकाम हो गया। तो तुम हमारा आत्मा नहीं हो? अगर कोई प्यार या चाहत के बंधन में ना पड़े तो उसका दिल कभी नहीं टूटता। हाँ, लेकिन वो भी कोई जिंदगी है। मैं तो अमर होने के बजाय किसी से मोहब्बत करके एक आम आदमी की तरह मर जाना पसंद करूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी फिक्र मत करो। अमर होने के लिए सिर्फ एक ही अमृत है, और वो बनता है सम्राट के सिंदूर, लाल पत्थर और पारे के मिश्रण से। उसे हमेशा के लिए आसमान में बने जेड महल में रखा गया है। इतनी ऊंचाई जहां स्वर्ग है, वहां आम इंसान नहीं पहुंच सकता। वहां जाने के लिए उत्तरी मार्ग से जाकर धरती और स्वर्ग की सीमा पार करनी पड़ती है, और फिर जेड सेना से मुकाबला। मुझे अफसोस है, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। है एक रास्ता है। दो रातों के बाद अमावस होगी। हम अंधेरे का फायदा उठाकर चौथे पहाड़ के दक्षिण से ऊपर तक जा सकते हैं। हमें अभी जाना होगा। नहीं, वो मर जाएगा। अगर अभी गए तो हम सब मर जाएंगे। बहुत कुछ दांव पर लगा है, एक पूरा साम्राज्य, तुम्हारा घर लौटना। हम वहां दो रातों के बाद जाएंगे, जब चांद नहीं होगा। तैयार रहना। जब तुमसे मिली थी बहुत दिनों पहले चाय की दुकान पर, तुम एक भटके हुए घबराए हुए लड़के थे, जिसका साथ देकर मुझे लड़ना मंजूर नहीं था।
बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। भविष्यवाणी वाला मुसाफिर, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। सौंग पहाड़ी पर किसी की जान जा रही है, मुझे अमृत चाहिए। पर वो मैं तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि मैं ये छड़ी लेकर आया। एक दोस्त की जान इतने बड़े राज्य के बदले में, वैसे सौदा बुरा नहीं है। वो आदमी तुम्हारा जिगरी दोस्त है और एक अच्छा गुरु भी। जो अपने गुरु की इज्जत करता है, खुद अपनी इज्जत बढ़ाता है। जो भी हो, तुम्हारी बात मानने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो ये कि मैंने अमृत किसी और को देने का वायदा किया है। पर ये जादुई छड़ी ये नहीं लाई है, मैं लाया हूं। लड़के की बातों में दम है। मेरे सम्राट, आपने वचन दिया था। इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, एक मुकाबला करते हैं जिंदगी और मौत का। मुझे बड़ी खुशी होगी। अमर जीवन का अमृत, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। बस करो। भविष्यवाणी वाले यात्री, मुझे तुम पर बड़ी हंसी आ रही है। क्या तुम्हें एक पल भी ऐसा लगा था कि तुम जीत पाओगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगा।
जाएगा तुम्हारी मौत से। जान आ गई। मैंने जो सिखाया वो याद रखना।
जंग पूरी करें। सम्राट जेर, कौन हो तुम? वो लड़की जिसके खानदान को तुमने खत्म कर डाला, अब बच सकती हो तो बचो। स्पैरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो मर चुका है। जी शुक्रिया। Thank you.
क्या आप कुछ कर सकते हैं? इस बच्चे ने अपनी किस्मत खुद अपने ही हाथों से लिखी थी। मुझे अफसोस है। मुसाफिर, तुम बहुत दूर से आए हो मायावी दरवाजे से भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूं। हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहा जाता है कि गुरु और शिष्य हमेशा साथ साथ चलते हैं और किस्मत एक दिन उनके रास्ते अलग कर देती है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। शायद मुझे लगता है अमर होना इसी को कहते हैं। आपने मुझे आजाद किया और अब खुद को आजाद कीजिए। तो बोल, मुंह बंद रखेगा या नहीं? बोलता क्यों नहीं? सुन बे चूहे, बात भेजे में गैया नहीं। उठ, क्या हो गया? चलना, उठ। और खाने का तेरे को? बोलना, और खाने का तेरे को? हाँ, चल उठ। तुम्हें
रुको, कैसे हैं ये? गोली दिल को नहीं लगी, बच जाएंगे। मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं अमर हूं। उस जादुई छड़ी को उसके मालिक को लौटा दिया। लौटा दी? मैंने सही किया। उनकी जान बच तो जाएगी ना? लगता तो है। सब कुछ देखा मैंने, मैं वहां काम करती हूं। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मिलते हैं। हाँ जरूर। अपनी तो निकल पड़ी। कथाओं में कहा गया है कि वानर सम्राट सत्य की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़ा और वो मुसाफिर अपनी दुनिया में लौट गया, एक योद्धा का जीवन जीने और स्वयं अपना सत्य जानने के लिए। जब एक कहानी समाप्त होती है तो दूसरी जन्म लेती है।